इतने बड़े पैकेट में इतना छोटा सा पैकेट। एडमंटन ETS, ये हमारे इसमें जो बस सर्विस जो एडमंटन में प्रोवाइड की जाती है उसकी टिकट है ETS एडमंटन। और ये 10 टिकट्स का बंडल है, अगर आप खरीदते हो तो सिंगल टिकट ऐसे नहीं मिलेगी आपको, जो ऑर्डर करते हो या जाके किसी शॉप से लेते हो तो 10 टिकट का ही पूरा बंडल आता है। ओके ना, $27.5 का, तो करीब $3.50 पर टिकट के हिसाब से रहता है। बट फिर हर टिकट में कुछ सेंट्स, आई थिंक 70 सेंट्स का डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसलिए टोटल 27.5 का पड़ता है। जरा कैसा दिखता है? ओके, ये हैं एडल्ट टिकट्स। 10 टिकट्स का सेट है ये। ये पूरी टिकट है, दिस इज सिंगल टिकट। और इसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2023 एक्सपायरी, एक साल का एक्सपायरी डेट होता है। बट अगर आपका एक्सपायर हो जाए तो आप इसको वापस भेज के रिन्यू करा सकते हो, आपको नया टिकट दे देते हैं। तो आज हम लोग के यहाँ पर करीब 8 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, सॉरी 10 दिन हो गए हम लोगों के यहाँ पर, और वीकेंड आ गया है। तो हम लोग एक एक्चुअली यहाँ फेस्टिवल है आज, ऑल इज ब्राइट करके, तो वही फ्रेंड ने मुझे उसका एक लिंक भेजा, पूछा कि चलोगे, तो हम लोग तो तुरंत रेडी। अब जाके देखते हैं कि कैसा है फेस्टिवल। अभी टाइम हो रहा है करीब 1 बजा हुआ है, 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, करीब 40 मिनट की वॉकिंग पर है, पैदल ही हम लोग जाएंगे क्योंकि पैदल चलना हो नहीं पा रहा है ज़्यादा। बस इस लड़की ने बना दी है रोटियाँ, हम लोग अब निकलेंगे रोटी सब्जी खा के। बन रही है, इतनी सुंदर नहीं है रोटियाँ यहाँ की। इंडक्शन वाला हिसाब किताब रहता था, उसमें फुलाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट फूल जा रही है। एक तो हम लोग जो आटा भी लेके आए हैं, तो आशीर्वाद आटा हमें नहीं मिला, तो हम लोग एक ये क्या है, ये वेस्टर्न फैमिली का होल व्हीट आटा है, लेकिन होल व्हीट बोल तो रहा है वो, लेकिन जब हम लोगों ने खाना शुरू किया या गूथा जब उसको, तो पता चला कि उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खिंच रहा है, और कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हमारे में गूथने के बाद थोड़ा येलोविश सा रहता है, इसको गूथो तो वो पूरा सफ़ेद ही बना रहता है, तो उस तरह का ही है। 5 किलो ले आए थे, तो अब उसको ख़त्म करेंगे। फिर अब जाके आशीर्वाद आटा हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि मिल जाता है, बट थोड़ा महंगा है, करीब भाई 1200-1300 रुपये का 10 किलो का पैकेट है। बाकी यहाँ पर और भी इंडियन ब्रांड्स हैं, तो उन सब की भी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे एक नानक है, नानक, सूरज, शेर, तो ये लोग जो हैं ये पूरा अपना बेसन आटा, मैदा, सूजी, घी, पनीर, ये सब बनाते हैं, तो इन ब्रांड्स की भी चीज़ें अगर मिल जाएँ तो वो पूरा इंडिया के जैसे ही रहेंगी। बैठे बैठे अपना एक वीडियो देख रहे हैं अभी, शूज है ना, और रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बस पूजा रेडी हो जाए फिर निकलते हैं। आज इतने दिनों बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है और लाइनर भी लगाया, लाइनर भी लगाई है ना, लिपस्टिक चल रही है। और ये जो एरिया आ गया अभी, इस साइड आ जाओ, ये जो हम लोग के राइट साइड में ये जो एरिया है, ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, ग्रैंड मैक यूनिवर्सिटी का घर लिया हुआ है। यहाँ से मैक्सिमम 10 मिनट और चलना होता होगा, हम अपने घर पहुँच जाएंगे ना। अच्छा खासा मार्केट भी है यहाँ पर। और ये यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर हमारी बिल्डिंग से भी, मतलब हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और यहाँ पर बीच में जो घड़ी बनी हुई है वो भी दिखाई देती है। रोड पार कर लेते हैं यहाँ से। हम लोगों को क्योंकि आगे से राइट ही जाना था, तो हम लोगों ने अभी रोड पार कर लिया। ये सारा जो मार्केट एरिया है, यहाँ पर ही हम लोगों का घर है। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग में ही हम लोगों का घर फाइनल हो रहा है। ये यूनिटी स्क्वायर एरिया बोलते हैं इसे, यूनिटी स्क्वायर मॉल बोल देते हैं।
काफ़ी सही मार्केट है, डॉलरामा भी है, सेफ वे भी है ग्रोसरी और वेजिटेबल्स के लिए। अब हम लोग ग्लेनोरा पार कर रहे हैं और ये ग्लेनोरा की सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के बंगलोज हैं। सेंटा क्लॉज देखो, पूरा रेजिडेंस एरिया है ना ये। हाँ। कोई अपार्टमेंट नहीं है, नॉर्मल सिंगल घर है। ये चीज मस्त, पूरी ये जो लगा हुआ है मस्त गर्म कर रहा है। कॉफी लिया जाए? हाँ चलो, ये वाला एक्सप्लोर करना है कि ये आओ वहाँ देखते हैं, ये बार प्राइस देख लेते हैं। हाँ प्राइस देख लेते हैं, फिर जो सस्ता होगा वो ले लेते हैं। वैसा वाला शॉप ही है, शॉपिंग वाला ही है। Cookies? सही लग रहा है। ओह सेंटा क्लॉज। अब थोड़ी ठंड सी पड़ रही है, सब लोग जो हैं आग के पास खड़े होकर हाथ देखने लग गए हैं। तुम ठीक हो गई? ठीक हुई? मैं तो ठीक हुई, मैंने एक्चुअली ग्लव्स नहीं पहने थे इसलिए थोड़ा सा वार्म अप। सही माहौल बना रखा है वैसे यहाँ। इनफैक्ट पता है यहाँ पर इन्होंने अपने पेट्स को भी, स्पेशल डॉग्स को इतने अच्छे से ट्रेन करे, नोबडी इज बाथिंग। कोई भी नहीं, बहुत फ्रेंडली, बच्चे भी नहीं भौंक रहे। सर अपने बच्चों को लेके आए सेंटा क्लॉज का फोटो खिंचवाए, तुम्हारी खिंचवा दूं? वो देखो। मेरे सारे धुआं मेरी आंखों में ही चला गया। सिगड़ी लगा रखी है सबने मस्त बीच रोड में।
लग गई तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ खाया जाए, क्योंकि वो जो फेस्टिवल वाला जो एरिया था वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स जो थी वो एकदम खचाखच भरी हुई थी, हर जगह लाइन लगी हुई थी। तो अभी देखा हुआ है एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, उसी में जा रहे हैं, देखते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इंडियन वाला भी है बट तो सोचा चलो मैक्सिकन ही खाया जाए। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट में आ गए हैं जहाँ पर हम आज खाएँगे अभी फ्रीडा। Thank you.